I'm done. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 13 नवंबर यही वो तारीख है जब 80 साल के वीर जवान बाबू कुंवर सिंह ने इस धरती पर जन्म लिया था। 80 साल का वीर जवान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की माटी के वीर सपूत वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ यलगार किया था और उन्हें धूल भी चटाई थी। आइए देखते हैं उस वीर सपूत की कहानी, बिहार के कुंवर। लड़ने, लड़ाने, तलवार चलाने और युद्ध के मैदान में दुश्मन को चीर कर रख देने के लिए बाजुओं में जो ताकत होनी चाहिए वो जवानी में होती है। लेकिन 80 साल के कुंवर सिंह की चुस्ती, फुर्ती और बहादुरी के आगे हट्टे कट्टे युवा भी घुटने टेक देते थे। देश के इस बूढ़े सिपाही ने 80 साल की अपनी ढलती उम्र में क्रांति की ऐसी मिसाल जलाई थी जिसे देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे और उनकी ललकार सुनकर अंग्रेजों का कलेजा दहल गया था। जिस उम्र में रुक जाती है खून की रफ्तार, उस उम्र में उसने दिया अंग्रेजों को ललकार। 80 साल के बुजुर्ग में थी 18वें साल सी फुर्ती, चेहरे पर थी रौनक, बदन में थी चुस्ती। जी हां, उम्र के जिस पड़ाव पर इंसान एक गिलास पानी पीने के लिए उठने से कतराता है, उस उम्र में बिहार के एक राजपूत राजा ने अंग्रेजों को पानी पिला दिया। अस्सी साल की उम्र में अमूमन इंसान का शरीर जवाब देने लगता है, शरीर साथ नहीं देता, शरीर के अंग पूरी तरह से काम नहीं करते, नजरें और याददाश्त कमजोर हो जाती है और हौसला पस्त हो जाता है। लेकिन इसी उम्र का एक शख्स ऐसा था जिसे बुढ़ापा छू भी नहीं पाया था, आरा के जगदीशपुर रियासत के राजा कुंवर सिंह के आगे जैसे बुढ़ापा हाथ जोड़कर खड़ा था। वो बुढ़ापे के नहीं बल्कि बुढ़ापा उनके अधीन था। 80 साल की उम्र में भी राजा कुंवर सिंह के चेहरे पर युवाओं जैसी चमक थी, उनके शरीर में 18 साल के जवान जैसी फुर्ती थी। दिलेरी तो इतनी थी कि उनके आगे जवान लड़ाका भी घुटने टेक। और उम्र के आखिरी पड़ाव में राजा कुंवर सिंह का हौसला ऐसा कि समूचे भारत पर राज करने वाली ब्रितानी हुकूमत के अफसरों के हौसले भी उनके हौसलों के आगे पस्त हो गए। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा कुंवर सिंह की बहादुरी का जिक्र होता है, तब तब हर बिहारवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राजा वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल क्यों फूंका? 80 साल की उम्र में उन्हें अंग्रेजों से युद्ध क्यों करना पड़ा? 1857 की क्रांति में राजा कुंवर सिंह का क्या योगदान है और क्यों इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा? ये सब कुछ बताएंगे आपको। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ। अठारह की क्रांति में जब दानापुर छावनी में विद्रोह हुआ तो बागी सैनिकों ने 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह की सरपरस्ती में अंग्रेजों से दो दो हाथ करने की ठानी। उस 80 साल के बूढ़े की बहादुरी और युद्ध रणनीति इतनी कमाल की थी कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता था। गुलामी के दर्द ना सहाइल था, एजी कुंवर के जागल बुढ़ाइल जवानी,
काली से मांग शक्ति खींच के कटार हाथ में देश के देखौलन भोजपुरियन के पानी शेर के समान सांस गरम गुरनी आइल त शेर के समान सांस गरम गुरनी आइल त एज गोरवन के रहल न कतही निशानी सत सत नमन बाट बलिदानी कुंवर के कि काका राज आदि से अमर बा कहानी। आरा की स्थानीय भोजपुरी भाषा में ये राजा वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा है जो हर आरा वासी की जुबान पर है। वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर ढोल नगाड़े के साथ कुछ इस अंदाज में वीर कुंवर के वंशज अपने प्रतापी पूर्वज को नमन करते हैं। बांगला में उड़ेला अबीर हो इतिहास के ऐसे महान योद्धा को करीब से जानने की हर किसी में दिलचस्पी होती है, लिहाजा वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर न्यूज 18 की टीम आरा के जगदीशपुर के उस पावन धरती पर पहुंची जहां का जर्रा जर्रा सदियों से वीर कुंवर की दिलेरी की गवाही देता है। आरा मुकेश के कई देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इन सब के बीच में अपनी अलग पहचान बनाई जगदीशपुर के 80 साल के बाबू वीर कुंवर सिंह ने, जिन्होंने अपने अदभ्य साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, लिहाजा बचपन से ही कुंवर सिंह की बहादुरी देखकर उन्हें 1826 में रियासत की गद्दी पर बिठा दिया गया। रियासत संभालने के बाद कुंवर सिंह की बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। ये वो दौर था जब अंग्रेज करीब करीब पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। राजा रजवाड़ों की रियासतें हड़पने के लिए अंग्रेज तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। दिल्ली सल्तनत से लेकर झांसी तक सभी राज्यों को पूरी तरह अंग्रेजी हुकूमत के अधीन करने के लिए अंग्रेज खूनी जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान 10 मई 1857 को मेरठ छावनी आरा को स्वतंत्र करा, उस समय ऐसा मिसाल पूरे इंडिया में नहीं है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी यानी उसका परिणाम भी हुआ, आरा 4 दिन स्वतंत्र रहा। ये बहुत बड़ी साधारण बात नहीं है। ऐसे साम्राज्य में जिसका सूर्यास्त नहीं होता था ब्रिटेन के अंग्रेजों यानी के साम्राज्य में भी आरा 4 दिन स्वतंत्र, यही तो कारण था कि अंग्रेजों ने जिस ढंग से बर्बरता से यानी उनके भवन को, उनके मकान को या उनके महल को ध्वस्त किया, वो तो रिएक्शन में किया गया। 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ न सिर्फ भारतीयों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था बल्कि अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय जवानों का भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बिहार में भी अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। बाबू वीर कुंवर सिंह के अगुवाई में उनकी सेना ने आरा पर कब्जा कर लिया। दरअसल कुंवर सिंह को सिपाही विद्रोह की अगुवाई करने के लिए बिहार में नेतृत्व मिलना भी एक संयोग ही था। दरअसल दानापुर छावनी के बागी सिपाहियों ने भी कुंवर सिंह के बहादुरी के कारनामे सुने थे, लिहाजा अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए उन्हें कैसे ही सेनापति की जरूरत थी। 27 जुलाई को सभी बागी सिपाही आरा पहुंचे और कुंवर सिंह से मुलाकात कर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में 200 बागी सैनिकों के नेतृत्व करने के लिए प्रस्ताव दिया। उस वक्त कुंवर सिंह उम्र के 76वें पड़ाव पर थे, लेकिन देशभक्ति के जज्बे और राजपुताना खून ने उन्हें मानो नया उद्देश्य दे दिया। गुरिल्ला युद्ध के में माहिर थे और गुरिल्ला युद्ध के चलते बीबीगंज का जो युद्ध हुआ और युद्ध में उनके जो सैनिक थे गुरिल्ला युद्ध में इतने सिद्धहस्त थे यानी कि वे किस बड़ी से बड़ी सेना को भी पराजित कर सकती थी। तो 1857 का जो हम लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन था वह भले ही
निर्धारित तिथि से पहले शुरू हो गया, लेकिन बाबू कुंवर सिंह ने अपनी वीरता, अपने शौर्य और अपनी बहादुरी से यानी जो परिचय दिया, यानी वह आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी अनुकरणीय होगा। कितना बढ़िया से, किस ढंग से आने वाली पीढ़ी को बाबू कुंवर सिंह यानी की वीरता को, उनके त्याग को, उनके शौर्य को हम रख पाते। सैकड़ों की फौज लेकर हजारों की आधुनिक हथियार से लैस फौज के साथ मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन वो राजपूत ही क्या जो दुश्मन से घबरा जाए। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के कैसे छुड़ाए? कुंवर सिंह में वो कौन सी खासियत थी जो उन्हें उस दौर से स्वतंत्रता सेनानियों से अलग करती थी, और अंग्रेज उनकी किस रणनीति से खौफ खाते थे, ये सब आगे बताएंगे आप। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। जब पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, तब बड़े बड़े राजा अंग्रेजी सेना के तोप देखते ही समर्पण कर देते थे। उस दौर में कुंवर सिंह ने चंद लड़ाकों के साथ आरा को 4 दिनों के लिए अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करा दिया था। इससे देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों से लड़ाई में नई ऊर्जा मिली। कुंवर सिंह की बेमिसाल बहादुरी ही उनकी वो खासियत थी जो उन्हें सबसे अलग करती थी। एक योद्धा में जो गुण और काबिलियत होनी चाहिए, वो सब कुंवर सिंह में कूट कूट कर भरी थी। कुंवर सिंह की गुरिल्ला युद्ध रणनीति के चलते अंग्रेज उनसे खौफ खाते थे। राह चलते अंग्रेजों को दहशत होती थी कि न जाने किस ओर से कुंवर सिंह के लड़ाके धावा बोल दें। कुंवर सिंह ने 200 बागी सिपाहियों और अपनी सेना की छोटी सी टुकड़ी के साथ मौजूदा आरा के वायल हाउस पर हमला बोल दिया। तब ये जगह अंग्रेजी अफसर और सेना के लोगों के ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती थी। आरा हाउस पर कुंवर सिंह का कब्जा हो चुका था। करीब 4 दिनों तक आरा पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यह बिहार में अंग्रेजों की पहली हार थी। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो कंपनी शासन था, उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके खिलाफ पूरे देश में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं, उसका वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। और उन्होंने 1-2 मोर्चे पर अंग्रेजों को करारी शिकस्त भी दी। आज भी भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाता है तो उनका नाम आदर से लिया जाता है। कहते हैं आरा हाउस के नीचे एक सुरंग है जिसके सहारे कुंवर सिंह जगदीशपुर और आरा के बीच गुप्त तरीके से आते जाते थे। इसी वजह से अंग्रेजों को कुंवर सिंह के मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाती थी। धीरे धीरे कुंवर सिंह की सेना की तादाद बढ़ने लगी। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल जैसे शूरवीरों ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। और बिहार में कुंवर सिंह से ब्रितानिया हुकूमत परेशान हो चुकी थी। कुंवर सिंह के पास साधन सीमित थे, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं हुए। उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित किया। अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई और अंग्रेजों को कई बार धूल चटाई। कुंवर सिंह अपनी खतरनाक युद्ध कला के लिए भी जाने जाते थे। उनके सैनिक भी मोर्चा बनाने में माहिर थे। जगदीशपुर के नजदीक मोर्चा नामक जगह पर अंग्रेजी सेना और कुंवर सिंह की सेना में युद्ध हुआ था। तब कुंवर सिंह की सेना ने देशी युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को परेशान कर
पीछे धकेल दिया था। आज वो युद्ध भूमि गड्ढे में तब्दील हो गई है, हालांकि उसका एक बड़ा टुकड़ा आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने बिहार से बाहर भी अवध में बांदा तक इस संघर्ष का विस्तार किया। फिर वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी लड़ाई ब्रिटिश सेना के साथ हुई और ली ग्रां जो ब्रिटिश कमांडर था उसको उन्होंने निर्णायक ढंग से पराजित किया। इस 1857 के संघर्ष में ऐसी कोई दूसरी मिसाल हमें बिहार तो क्या और क्षेत्रों में भी नहीं मिलती है जहां ब्रिटिश आर्मी को इतनी निर्णायक हार का सामना करना। कुंवर सिंह ने अपनी युद्ध रणनीति से अंग्रेजी सेना के बहुत सिपाहियों को मारा। उन्होंने जगदीशपुर से आगे बढ़कर यूपी के गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ तक अंग्रेजों से मोर्चा लिया। वो युद्ध अभियान में बांदा, रीवा और कानपुर भी गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ये कुंवर सिंह की आजादी की दीवानगी ही थी जो अपनी कुर्बानी की इबारत लिखकर देश को क्रांति के मायने समझा गए। उन वीर सपूतों पर मां भारती को भी गर्व है जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।